और शब्द में शक्ति होती है। शब्द के अभिव्यक्ति में उससे अधिक शक्ति होती है। अभी जैसे ऐसा बता रहे थे कि मोदी जी ने एक अच्छा नाम दिया है दृष्टिबाधित को, हम माफ करिएगा मुझे, बोलचाल की भाषा में अंधा कह देते, एक शब्द है उसे सूरदास जी कह के आप बोलते हैं, यह भी एक शब्द है, लेकिन दोनों के भाव में कितना अंतर आ जाता है। एकदम भाव बदल जाते हैं यदि कोई उस शब्द का उपयोग करे और इस शब्द का उपयोग करे किसी व्यक्ति के लिए, तो उसके प्रकटीकरण भी और शब्द में भी शक्ति है। इसी तरह जब दिव्यांग नाम दिया मेरे नेता मोदी ने, तो अलग भाव दे दिया इनके लिए, और आप सब उसको सशक्तिकरण की ओर ले जा रहे हैं, समानता की ओर ले जा रहे हैं, समता से समानता बनी, समता जहां होगी ममता स्वयं होगी। जिन धर्मों में या पंथों में या संगठनों में समता शब्द का समावेश नहीं है, वहां कहीं ना कहीं ममता नहीं है। हम अपने दैनिक जीवन में उनको अनुभूति करते हैं। तो आपने जो ये दिव्यांग समानता और सशक्तिकरण का मुहिम लिया है, ये वाकई सराहनीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। जब एक संगठन किसी अभियान को लेकर चलता है तो वो परिणाम भी देता है। ठीक है, कभी किसी ने कहा था एकला चलो, लेकिन यह भी सही है कि मैं अकेला चल पड़ा था राहे मंजिल में, मगर लोग यूं मिलते गए और कारवा मिलता गया। लेकिन यहां तो कारवा जब चल रहा है किसी मुहिम को लेकर, तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, नए भाव पैदा होंगे, उन भावनाओं से जुड़कर नजरिए को बदलेगा, उसमें सकारात्मकता लगेगा। अभी जैसा बताया कि कई नाम इन्होंने लिए जो एक मुकाम हासिल किए हुए अपने अपने फील्ड में। एक हमारे दोस्त भी है सुभाष हलवाई, आईएएस है वो, और बैडमिंटन में वो गोल्ड मेडल लेकर आए हिंदुस्तान। तो ये उपलब्धियां हैं। अब ये बच्ची बता रही थी कि उसने डॉक्टर ने जब उसे क्या कहा और किस मुकाम पर आई है वो, ये इसके पीछे संकल्प शक्ति है उसकी। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो कबीयत से उछाल होगा और एक पत्थर तो कबीयत से। तो ये मुहिम आपको यही उन लोगों के अंदर भाव पैदा करेगी कि हम पत्थर तबीयत से उठाएंगे, हम तबीयत से उसमें जुटेंगे अपने मुकाम के हासिल करने के लिए। और ये भाव जब भी पैदा होगा जब हम उनको समानता का भाव देंगे, समता देंगे, ममता देंगे और उनके प्रति उपेक्षित व्यवहार नहीं, उपेक्षा का व्यवहार नहीं। और आपका यह अभियान जो आपने कुमारी संगठन ने लिया है, ये निसंदेह प्रशंसनीय है, अनुकरणीय भी है। प्रशंसा तो सबकी की जा सकती है, लेकिन अनुकरणीय भी होना चाहिए अपना कर्म, और आपका ये कर्म अनुकरणीय है। मैं आपकी भूरी भूरी कार्य की प्रशंसा करता हूं। जल्दी में है हूं और विलंब से आया हूं, इसके लिए क्षमा भी मांगूंगा, क्योंकि विलंब से इसलिए आया कि घर पर बहुत लोग अपने अपने काम के लिए आए थे। आज एक विशेष पूजा थी उसको समाप्त करके उनसे, और फिर उनका दिल दुखा कर भी मैं काफी लोगों को छोड़कर यहां आया, तो दुनिया देर हो रही।
अब जल्दी इसलिए जाना है कि मेरे एक रिश्तेदारी में मुरैना में डेथ हो गई है, लगभग 10-12 दिन हो गए, लेकिन व्यस्तता के कारण मैं जा नहीं पाया। तो मैं आप लोगों से ज्यादा चाहूंगा जल्दी है क्षमा मांगते हुए, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं हो, मुझे जल्दी जाने की इजाजत आप देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।